हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रॉब्लम डिजाइन ऑफ स्लैब बेस के ऊपर। पिछले वीडियो में मैंने आपको प्रोसीजर्स बताए थे कि आपको कैसे डिजाइनिंग करना है और हमारा एम क्या होता है। हमें लेंथ, विड्थ एंड थिकनेस फाइंड करनी होती है इस बेस प्लेट की। तो चलिए, प्रोसीजर मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था और इस वीडियो में हम लोग प्रॉब्लम लेंगे। तो देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरीके से दिया है। डिजाइन ए स्लैब बेस फॉर ए कॉलम ISHB 350 एट 67.4 kg पर मीटर। देखो, ये जो क्वेश्चन है ना डिजाइन ऑफ स्लैब बेस का, ये जो क्वेश्चन है वो इंक्लूडेड होगा आपके डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर के अंदर। जैसे कि ये डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर का प्रॉब्लम है, सेम प्रॉब्लम होगा, बस इसके अंदर एडिशनल टर्म आ जाएगा कि एंड ऑल्सो डिजाइन इज सूटेबल स्लैब बेस। जैसे कि ये जो डिजाइन ऑफ कॉलम का प्रॉब्लम है, इसी के लिए फिर आपको स्लैब बेस भी डिजाइन करना है। डिजाइनिंग प्रोसीजर ये तो पूरा सेम ही होगा। जो डिजाइन करना है कॉलम को, वो तो अकॉर्डिंग टू डिजाइन ऑफ कंप्रेशन मेंबर में जैसे मैंने आपको बताया था, उस तरीके से आपको डिजाइनिंग करना है कॉलम को। और जो इसके बाद आपको क्या करना होगा, डिजाइन करना पड़ेगा स्लैब बेस को। तो क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, इसके अंदर वो इंक्लूडेड होगा। तो ये पूरा डिजाइनिंग पार्ट आपको करना है, उसके बाद जो डिजाइन करना होगा स्लैब बेस को, वो मैं अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे डिजाइन किया जाता है स्लैब बेस। तो डिजाइन ए स्लैब बेस फॉर ए कॉलम ISHB 350। तो आपका जो कॉलम है वो है ISHB 350, और यहाँ पे जो एट के बाद लिखा गया होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 67.4। क्योंकि अगर आप स्टील टेबल में देखने जाओगे, स्टील टेबल ओपन करो, तो वहाँ पर आप देखोगे पेज नंबर 14 में आओ, टेबल नंबर 4 पे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ISHB 350 और ISHB 350 दो दिए गए होते हैं। तो इन दोनों में से किस में देखना है वो कैसे पता चलेगा, वही है ये एट के बाद। ये जो एट के बाद लिखा गया है वो उसका सेल्फ वेट होता है, 67.4 उसका सेल्फ वेट है। तो आपको यहाँ पर देखना है, देखो ISHB 350 67.4 वाला, और ISHB 350 72.4 अलग है। तो सेल्फ वेट दिया जाता है ये, मतलब आपको पहले वाले में देखना है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला है, कैरिंग ए फैक्टर्ड लोड पी। तो डायरेक्टली हमको फैक्टर्ड लोड पी ही गिवन है, तो कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। वर्किंग लोड या फिर सर्विस लोड गिवन होता है, तब भी 1.5 से मल्टीप्लाई करना होता है, फैक्टर्ड लोड या फिर डिजाइन लोड होने से कन्वर्ट नहीं करना होता। तो पी इक्वल्स टू 1000 kN, 1000 kN है, तो हम जब सॉल्व करते हैं तब हमको वैल्यू न्यूटन में रिक्वायर्ड होती है। तो 1000 × 10³, इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद देखो क्या बोला है, ऑल्सो डिजाइन द वेल्डेड कनेक्शन। तो वेल्डेड कनेक्शन भी यहाँ पर डिजाइन करने का बोला है। जैसे कि पिछले वीडियो में आप देख सकते हो स्लैब बेसिस का जब मैंने आपको प्रोसीजर बताया था, एक लास्ट स्टेप बताया था, आपको डिजाइन करना होता है कनेक्शन, बोल्टिंग या फिर वेल्डिंग, जो क्वेश्चन में गिवन होगा उसके हिसाब से करना होता है। तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन में वेल्डिंग करने को बोला है बिटवीन स्लैब बेस एंड कॉलम। देखो उसके बाद क्या बोला है, यूज कॉन्क्रीट ग्रेड M20। तो आपको यहाँ पर कॉन्क्रीट का ग्रेड मेंशनड है M20, ठीक है। उसके बाद स्टील Fe410, तो Fe410 स्टील, तो वहां से हमको सिर्फ FY चाहिए होता है, FY हो जाता है उसके लिए 250 MPa होता है इसका यूनिट, मतलब न्यूटन पर mm². देखो इतना आपका गिवन इस क्वेश्चन में दिया है। अब हम लोग स्टेप्स फॉलो करेंगे, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था वही हम लोग फॉलो करेंगे। पहला क्या स्टेप था, अज्यूम ए सूटेबल ग्रेड। तो ग्रेड हमको क्वेश्चन में गिवन है, तो हमको अज्यूम नहीं करना है अगर क्वेश्चन में दिया होगा। यहाँ पर हमको क्वेश्चन में क्लियरली M20 ग्रेड दिया है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा हो गया। सेकेंड स्टेप क्या है, नोट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ सेक्शन फ्रॉम स्टील टेबल। आपको क्या क्या नोट करना है, TF थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, TW थिकनेस ऑफ द वेब, H डेप्थ ऑफ द आई सेक्शन H, एंड BF विड्थ ऑफ द फ्लैंज। ये चारों भी एक लाइन में ही होता है, तो नोट कर लो। ये यहाँ पर आप देख सकते हो ISHB 350 आपको देखना है 67.4 में, ठीक है। आपका सेल्फ वेट है 67.4, और आपको नोट क्या क्या करना है, H नोट करना है, B नोट करना है, TF नोट करना है, TW नोट करना है, चारों भी लाइन में ही होते हैं। यहाँ पर देखो ISHB 350 67.4 में आपको देखना है 350, 250, 11.6 एंड 8.3, ये चारों भी नोट कर लो। तो ये हो गया आपका H, BF, TF एंड TW। तो यहाँ पर हमारा सेकंड स्टेप भी खत्म हो गया। सेकंड स्टेप में नोट करना था चार वैल्यूज, तो वो चार वैल्यूज हम नोट कर चुके हैं। थर्ड स्टेप क्या है, कैलकुलेट बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट। बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट कैसे निकलता है, 0.45 FCK। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको M20 का बताया था, तो अभी भी हमको M20 ही ग्रेड है, मतलब हमारा आंसर भी 9 आने वाला है। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट। तो 0.45 FCK मतलब 0.45
एफसी के मतलब जो ग्रेड होता है 20, तो एफसी की जगह पर आप 20 रखोगे, 0.45 × 20 करो, आपको आंसर आएगा 9। अब ये 9 इसका यूनिट होता है न्यूटन पर mm². ठीक है, तो ये है आपकी बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट। फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द बेस प्लेट। ए कैसे कैलकुलेट किया जाता है, फैक्टर्ड लोड पी अपॉन बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। तो ये फॉर्मूला पहले हम नोट कर लेंगे रिक्वायर्ड एरिया का। रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकलता है, ए इक्वल्स टू फैक्टर्ड लोड पी अपॉन बेरिंग स्ट्रेंथ। तो ए इक्वल्स टू फैक्टर्ड लोड पी, पी कितना है 1000 × 10³। हमको न्यूटन वाला लेना होता है, ठीक है, कैलकुलेट करने के समय न्यूटन में रखना होता है वैल्यूज। 1000 × 10³ अपॉन बेरिंग स्ट्रेंथ कितना आया, 9 आया। ऐसे हमको एरिया रिक्वायर्ड ए मिल जाएगा, ऐसे आंसर आता है 1 1। कितना वन है, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 1 है 0.1, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, फिर है 0.1, और यूनिट क्या होगा, mm². तो यहाँ पर देखो इसको हम लोग पॉइंट खिसका के लिख सकते हैं, तो 4 पॉइंट खिसका लो, 1 2 3 4, तो फिर हो जाएगा 11.11, ठीक है, और 4 पॉइंट आगे खिसका आया था, मतलब 10⁴ mm² का फाइनल ए। ए क्या है, एरिया रिक्वायर्ड। अब देखो आपको ए मिल गया, इसके बाद का स्टेप क्या है, देखो देखो अभी आपको एरिया मिल गया, एरिया की मदद से हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, लेंथ एंड विड्थ, एल एंड बी आप कैलकुलेट करना होता है। तो ये फॉर्मूला मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ कि कैसे कैलकुलेट करना है, तो इस फॉर्मूले को नोट कर लो। देखो ये आपका कंडीशन है, ए ए का फॉर्मूला है एल इंटू बी। पिछले वीडियो में मैं आपको डिफाइन कर चुका हूँ कि ये एल और ये बी का फॉर्मूला कैसे आया, तो एल का फॉर्मूला कैसे आया, एच प्लस 2 × a, और विड्थ बी का फॉर्मूला कैसे आया, बी इक्वल्स टू बी एफ प्लस 2 × b। इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा। देखो हमें इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी है, यहाँ पर हमें क्या क्या पता है, हमें ए पता है, यहाँ पर है देखो हमारा ए 11.11 × 10⁴। हमें एच पता है, एच क्या है, यहाँ पर देखो एच लिखा गया है 350। हमें बी एफ पता है, बी एफ यहाँ पर लिखा है 250, तो वही हमें इस इक्वेशन में पुट करना है। एरिया कितना है, 11.11 × 10⁴, 11.11 × 10⁴, उसके बाद क्या है, इक्वल्स टू ब्रैकेट में एच प्लस 2 a। एच कितना है, एच है 350, ऊपर देख सकते हैं आप, एच है 350 प्लस 2 a, और मल्टीप्लिकेशन में बी एफ प्लस 2 b। बी एफ कितना है, 250, 250 प्लस 2 b। अब देखो एक इक्वेशन है और दो अननोन है, तो सॉल्व तो नहीं कर सकते, इसके लिए मैंने आपको कंडीशन बताया था, अज्यूम ए इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स टू बी हम लोग अज्यूम करेंगे, तो यहाँ से आपको ए इक्वल्स टू बी की वैल्यू मिल जाएगी। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पुट कर दो 11.11 × 10⁴ और इक्वल टू ब्रैकेट में क्या है, एच प्लस 2 a, एच कितना है 350 प्लस 350 प्लस 2 × x पुट करेंगे हम लोग, ए की जगह पर एक्स पुट करेंगे, फिर बीच में है मल्टीप्लिकेशन का साइन, उसके बाद है 250 प्लस 2 × x ही पुट करेंगे हम लोग, दोनों को सेम ही वेरिएबल काउंट कर रहे हैं। उसके बाद कर दो सॉल्व फॉर एक्स, शिफ्ट कैलसी इक्वल्स टू, यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आपकी ए इक्वल्स टू बी की वैल्यू है 18.52, 18.52 ये है वैल्यू, mm में आएगा। अब देखो 18.52, लेकिन हम लोग ये जो a इक्वल्स टू b की राउंड ऑफ वैल्यू ले लेंगे जो कि है 20 mm। इस तरीके से आप राउंड ऑफ वैल्यू ले लेना, तो a इक्वल्स टू b की वैल्यू हमको मिल गई 20। अब देखो आपको a एंड b की वैल्यू मिल गई, अब हम l एंड b निकाल लेंगे वहां से। अब देखो हमारा जो एम है वो है लेंथ कैलकुलेट करना और विड्थ कैलकुलेट करना, तो लेंथ कैसे निकलेगा, h प्लस 2 a, h देखो यहाँ पर जो 350 पुट किया है वो हमारा h ही है, तो यहाँ पर वैल्यूज नोट की गई थी h और bf की, तो h कितना है 350, bf कितना है 250, यहाँ से भी देख सकते हैं h है 350 और bf है 250। इस l के फॉर्मूले में क्या पुट करना है, h पुट करना है जो कि है 350 प्लस 2 × a, a कितना है, a हमें पता है 20 है, तो यहाँ पर a रख देंगे 20। इसको सॉल्व करो आपको लेंथ मिल जाएगी, ये जो बेस प्लेट है इसकी लेंथ आपको मिल जाएगी, देखो लेंथ मिलती है 390, तो l इक्वल्स टू 390 और mm में होगा ये, ठीक है, यहाँ से आपको लेंथ मिल गया। अब इसी तरीके से हमको विड्थ भी कैलकुलेट करना है,
बी इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या पुट करना है, बी एफ प्लस टू बी। देखो ये 250 जो है वो हमारा बी एफ है, तो 250 प्लस 2 इंटू बी। अब बी क्या है, ए इक्वल्स टू बी है, मतलब बी भी हमारा 20 ही है, तो यहाँ पर 20 कर देंगे, यहाँ से हमको बी मिल जाएगा विड्थ ऑफ द बेस प्लेट। खाली 350 की जगह पर 250 कर दो और यहाँ से हमको आंसर मिलेगा 290, विड्थ इक्वल्स टू 290 एंड यूनिट विल बी mm। तो लेंथ एंड विड्थ आपको मिल गया, पहला काम आपका यहाँ पर खत्म हो गया, लेंथ एंड विड्थ कैलकुलेट करना था वो मिल गया। अब देखो यहाँ पर हमारा स्टेप खत्म हो चुका है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला स्टेप देखो क्या है, एक बार आपको लेंथ और विड्थ मिल जाता है फिर आप फिफ्थ स्टेप की तरफ जाएंगे, कैलकुलेट एरिया टू बी प्रोवाइडेड ए डैश, वो कैसे निकलेगा, एल इंटू बी। अभी जो एल और बी हमने निकाला वहां से हमको एरिया टू बी प्रोवाइडेड मिल जाएगा ए डैश। तो चलिए कैलकुलेट कर लो, ए डैश कैसे निकलता है, एल इंटू बी। अब निकाल लो ए डैश, आपके पास एल भी है आपके पास बी भी है, 390 इंटू 290 इंटू 290 वहां से निकलेगा आपका ए डैश, आंसर आता है 113100 113100। यूनिट विल बी एमएम स्क्वायर, लेकिन पॉइंट खिसका कर लिखते हैं, 1 2 3 4 चार पॉइंट खिसका लो तो वो ए डैश की वैल्यू हो जाएगी 11.31। ठीक है, चार पॉइंट किसका आया था तो ये हो जाएगा 10^4 एंड यूनिट विल बी एमएम स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका ए डैश। ए डैश क्या है, एरिया टू बी प्रोवाइडेड, एरिया टू बी प्रोवाइडेड आपको मिल गया। अब आपको निकालना है द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर W, वो कैसे निकलेगा, पी अपॉन ए डैश एंड दिस शुड बी लेस देन 0.45 FCK। तो ये फॉर्मूला नोट कर लो इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर का, तो W का फॉर्मूला देख सकते हैं, पी अपॉन ए डैश, पी हमें पता है फैक्टर्ड लोड पी, यहाँ पर देखो 1000 × 10^3। देखो जब भी वैल्यू पुट करते हैं फॉर्मूले में तब न्यूटन की वैल्यू पुट करते हैं, तो 1000 × 10^3 न्यूटन वाला पुट करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर पी के जगह पर रखेंगे 1000 × 10^3 और अपॉन क्या है ए डैश। ए डैश कितना आया था, देखो अभी ए डैश हमने निकाला वो है 11.31 × 10^4। ठीक है, इसको सॉल्व करो आपको W मिल जाएगा 8.84। ठीक है, W इक्वल्स टू 8.84 और इसका यूनिट होगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, ये है आपका W, लेकिन ध्यान से देखो एक कंडीशन मैंने आपको बताया था, W शुड बी लेस देन 0.45 FCK। 0.45 FCK क्या होता है, बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट। तो यहाँ पर बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्क्रीट कितना था, बेरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट था 9। ठीक है, तो देख सकते हैं दिस इज लेस देन 9, 8.84 आया ना आंसर, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड, ऑल ओके। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमको फाइंड करना है थिकनेस, कैलकुलेट थिकनेस ऑफ द स्लैब, मतलब ये बेस प्लेट की थिकनेस कैलकुलेट करनी है, क्योंकि लेंथ और विड्थ तो मिल चुका है, थिकनेस के लिए फॉर्मूला यूज करना होता है। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट IS 800 में पेज नंबर 47 पे दिया गया है, वहां पर आप देख सकते हो कोडबुक में, ये फॉर्मूला नोट कर लो। अभी देखो थिकनेस कैलकुलेट करना है, इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज हमें पता है, W भी पता है, अभी हमने कैलकुलेट किया A क्या है और B क्या है। देखो A इक्वल्स टू B हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था, A इक्वल्स टू B, स्मॉल A इक्वल्स टू स्मॉल B, ठीक है, जो कि है 20। तो यहाँ पर A और B की जगह पर 20 रखना है। गामा एम नॉट कितना होता है, 1.1। FY क्या है, 250, इसलिए स्टील का ग्रेड Fe410 है, इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन में स्टील का ग्रेड गिवन है ना 410, इसलिए हमारा FY हो गया 250। अब सारी वैल्यूज पता है, पुट कर दो फॉर्मूले में, तो वहां से TS निकल जाएगा, TS इक्वल्स टू TS मतलब क्या होता है, S मतलब होता है स्लैब बेस, स्लैब बेस का थिकनेस, तो सारी वैल्यूज अंडर रूट के अंदर है। ठीक है, तो गलती से क्या कर सकते हो, यहाँ पर ये जो गामा एम नॉट अपॉन FY है, ये गलती से अंडर रूट के बाहर आप पुट कर दोगे कैल्सियम में सॉल्व करने के समय, इसलिए उसके ऊपर ध्यान देना, ये गामा एम नॉट अपॉन FY भी रूट के अंदर ही है। तो यहाँ पर पुट कर दो 2.5 मल्टीप्लाई बाय W, W कितना है 8.84 और ब्रैकेट में है ए स्क्वायर, ए है हमारा 20 का स्क्वायर माइनस 0.3 बी स्क्वायर, बी भी है हमारा 20, ठीक है ए और बी हमारा 20 है ना, वापस से देख लो अगर आपको डाउट आ रहा है तो, देखो ए एंड बी हमारा 20 है, इसलिए हमने ए और बी की जगह पर 20 पुट किया। नाम अलग अलग है लेकिन वैल्यू दोनों की सेम होती है, और ये अंडर रूट के अंदर ही है गामा एम नॉट अपॉन FY, गामा एम नॉट होता है 1.1 और अपॉन FY होता है 250। इसको सॉल्व करो आपको TS मिल जाएगा, तो आंसर आता है
5.21, देखो आंसर आता है 5.21। तो 5.21 ऐसा कोई थिकनेस हमारे पास होता नहीं है ना, इसका मतलब हम लोग यहाँ से 6 mm थिकनेस ले सकते हैं। लेकिन क्या 6 mm थिकनेस हम लोग ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि थिकनेस ऑफ द फ्लैंज कितना है? थिकनेस ऑफ द फ्लैंज देखो यहाँ पर गिवन है, थिकनेस ऑफ द फ्लैंज हमने निकाला था स्टील टेबल में से, दैट इज टी एफ इक्वल्स टू 11.6। तो यहाँ पर पहले लिख दो टी एफ कितना आया, टी एफ जो हमने नोट किया था टी एफ इक्वल्स टू 11.6। तो 11.6 ऐसा भी हमारे पास थिकनेस प्लेट होती नहीं है, तो हम लोग यहाँ से राउंड ऑफ मानेंगे 12 mm। अब देखो कंडीशन क्या हो रहा है यहाँ पर, टी एस हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए, टी एस शुड बी ग्रेटर देन टी एफ, टी एस शुड बी ग्रेटर देन टी एफ, या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? आपका टी एस कितना है, 6 है, और आपका टी एफ एफ कितना है, 12 है। तो यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 12 है, मतलब कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक चीज बताया था, अगर आपका टी एस, इफ टी एस इज लेस देन टी एफ, आपका जो थिकनेस ऑफ द स्लैब लेस देन आया थिकनेस ऑफ द फ्लैंज, तो आप टी एफ की वैल्यू को एडॉप्ट करेंगे एस टी एस। ठीक है, टी एफ की जो भी वैल्यू होगी आप उसको थिकनेस ऑफ द स्लैब एडॉप्ट करोगे। ये चीज मैंने आपको पिछले वीडियो में भी क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया था। तो फिर यहाँ पे आपको थिकनेस क्या मिलती है, टी एस इक्वल्स टू 12 mm। ध्यान देना थिकनेस के ऊपर, ये कंडीशन बहुत मैटर करता है, टी एस शुड बी ग्रेटर देन टी एफ। अगर नहीं आया तो आप क्या करेंगे, टी एस इक्वल्स टू टी एफ मान लेंगे, लेस देन नहीं हो सकता, टी एस कभी भी लेस देन टी एफ से नहीं हो सकता। अगर लेस देन आ भी गया तो इस प्रॉब्लम में वैसे ही हो गया था कि हमारा टी एस लेस देन आ गया टी एफ से, तो टी एस की वैल्यू को अडॉप्ट नहीं की जाएगी, हम अडॉप्ट करेंगे टी एफ की वैल्यू। ठीक है, तो वहां से हमारा थिकनेस ऑफ द बेस प्लेट कितना आया, 12 mm। अब एक स्टेटमेंट इस तरीके से लिख दो कि आप प्रोवाइड कितना कर रहे हो बेस प्लेट, प्रोवाइड एल बी टी, आपको इस फॉर्मेट लिखना होता है ना, एल बी टी, एल कितना है और बी कितना है, देखो देखो यहाँ पर एल और बी पुट किया था, एल है 390, बी है 290, तो एल है आपका 390, बी है 290 और टी है 12 mm। ठीक है, बेस प्लेट, ठीक है, एक कंडीशन आपको इस तरीके से लास्ट में लिखना है। तो क्वेश्चन में एक और चीज हमको मेंशन किया गया था कि also design the welded connection between slab base and column। तो ये तो हमें मिला बेस प्लेट, मतलब ही स्लैब बेस होता है, अब कॉलम के साथ हमको इसको वेल्ड भी करना है। तो चलिए, बेस प्लेट तो हमारा डिजाइन हो चुका है, 390 into 290 into 12 mm का बेस प्लेट हम लोग प्रोवाइड करेंगे। बेस प्लेट मतलब ही हमने क्या डिजाइन किया, स्लैब बेस को डिजाइन किया। अब देखो क्वेश्चन में बोला गया था कि also design the welded connection between slab base and column, तो अभी हमको वेल्डेड कनेक्शन भी डिजाइन करना है। तो देखो वेल्डेड कनेक्शन डिजाइन करने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ डिटेलिंग किया है, इस डिटेलिंग को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये जो ब्लैक कलर से बनाया है वो है आपकी बेस प्लेट, ये जो बेस प्लेट है हमने कैलकुलेट किया था 390 इंटू 290, तो जिसकी लेंथ है 390 एंड विड्थ है 290, और ये जो डिटेलिंग अंदर की है वो है आपकी आई सेक्शन की डिटेलिंग, आपको पता होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होता है वो होता है एच। देखो ऑलरेडी हम लोग ऊपर सारे चीज नोट कर चुके हैं, एच बी एफ टी एफ एंड टी डब्ल्यू, यहाँ पर डिटेल किया है। एच हो गया आपका 350, ये होता है बी एफ, बी एफ है आपका 250, ये होता है टी डब्ल्यू, टी डब्ल्यू मतलब थिकनेस ऑफ द वेब जो कि 8.3, ये होता है टी एफ थिकनेस ऑफ द फ्लैंज जो कि 11.6। ठीक है, इस तरीके से आपकी डिटेलिंग है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, वेल्डेड कनेक्शन करना है। तो वेल्डेड कनेक्शन हम ऑलरेडी बहुत पहले कर चुके हैं, तो अगर आपको वेल्डेड कनेक्शन याद नहीं आ रहा होगा तो वेल्डेड कनेक्शन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, स्पेशली आप वहां से जाके एक बार फास्ट फॉरवर्ड करके खाली सुन लेना तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या करना है। तो देखो सबसे पहले जो हम कैलकुलेट करना होता है वो होता है एक्चुअल लेंथ, एल हमें कैलकुलेट करना है एक्चुअल लेंथ। तो एल क्या होता है कि कितना वेल्ड आप प्रोवाइड कर सकते हो, ये जो आई सेक्शन है नीचे क्या है, प्लेट है और ये आई सेक्शन है, इसको हमें वेल्डिंग करना है। कहाँ कहाँ पर वेल्डिंग करेंगे हम लोग, एक यहाँ पर कर सकते हैं,
ठीक है, ये पूरा हम लोग वेल्ड कर सकते हैं, फिर हम लोग यहाँ पर ये पूरा वेल्ड कर सकते हैं और यहाँ पर भी वेल्ड कर सकते हैं, फिर यहाँ पर भी वेल्ड कर सकते हैं। और क्या बचा देखो, अंदर यहाँ पर भी पोर्शन बाकी है और यहाँ पर भी बाकी है, और यहाँ पर भी वेल्ड कर सकते हैं और यहाँ पर भी वेल्ड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यूजुअली इस जगह पर वेल्डिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं, ये जो जगह है यहाँ पर वेल्डिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं, ठीक है, ठीक है, इन जगह पर वेल्डिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब अगर देखोगे तो इन्होंने प्रोवाइड कर दी गई है, यहाँ पर भी वेल्डिंग प्रोवाइड कर दी गई है, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तो एक्स्ट्रा दे दिया है, उसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ पर वेल्डिंग हम देते नहीं है। जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तब हम लोग यहाँ पर काउंट नहीं करते वेल्डिंग को, वेल्डिंग बस इतने ही जगह पर दी जाएगी जितना मैंने रेड से मार्क किया है। अब हमको कैलकुलेट करना है लेंथ ऑफ द वेल्ड। देखो टोटल लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड, हम फिलेट वेल्ड ही प्रोवाइड करने वाले हैं, क्योंकि फिलेट वेल्ड क्या होता है, देखो वेल्डेड कनेक्शन में मैंने आपको बताया था फिलेट वेल्ड हम लोग प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि फिलेट वेल्ड क्या होता है, वन मेंबर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हम लोग जो वेल्ड प्रोवाइड करते हैं वो होता है फिलेट वेल्ड, तो यहाँ पर भी हम लोग फिलेट वेल्ड को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए अभी हमको कैलकुलेट करना है ये कितना लेंथ है, तो ये लेंथ देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो एल कैसे निकलेगा, एल इक्वल्स टू सबसे पहले टोटल है एच, देखो एच में से आपको माइनस करना पड़ेगा टी एफ, लेकिन कितने टी एफ है, एक टी एफ यहाँ पर भी है और एक टी एफ यहाँ पर भी है, तो फिर एच माइनस टू टी एफ, ठीक है। सबसे पहले आपका फॉर्मूला एक साइड के लिए, एक साइड में से आप एच में से दो टी एफ माइनस करोगे तो आपको ये अंदर वाला लाइन मिल जाएगा, ठीक है, ये अंदर वाली लाइन है वो आपको मिल जाएगा, लेकिन वो दो है ना, एक इस साइड भी है और एक उस साइड भी है, तो आप ये पूरे को मल्टीप्लाई बाय टू कर दोगे, इसको पूरे को मल्टीप्लाई बाय टू कर दोगे, ठीक है। उसके बाद देखो प्लस ये जो बाहर रेड है वो क्या है, वो है आपकी बी एफ, विड्थ ऑफ द फ्लैंज, तो कितने विड्थ ऑफ द फ्लैंज है, एक इस साइड भी है और एक इस साइड भी है, इसका मतलब प्लस टू इंटू बी एफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अंदर है, देखो यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक है, वो कैसे निकाल सकते हैं, हमको क्या करना पड़ेगा, प्लस देखो ये क्या है बी एफ है, टोटल क्या है बी एफ, यहाँ पर देखो ये टोटल क्या है बी एफ, बी एफ में से हम लोग टी डब्ल्यू माइनस कर देंगे, टोटल बी एफ में से टी डब्ल्यू माइनस कर दो तो ये वाला पोर्शन हमको मिल जाएगा, देखो बी एफ माइनस कर देंगे टी डब्ल्यू, ठीक है। अब ये भी दो है इसलिए यहाँ पर हम लोग बाहर इसको टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर भी है, इसलिए मल्टीप्लाई बाय टू कर दिया। अब देखो ये पर वैल्यू पुट करो, आपको लेंथ मिल जाएगी, तो टू इंटू एच, एच क्या है 350, तो एच की जगह पर रखेंगे 350 माइनस टू इंटू टी एफ क्या है, थिकनेस ऑफ फ्लैंज 11.6, तो यहाँ पर रख दो 11.6। उसके बाद प्लस टू इंटू बी एफ, बी एफ क्या है विड्थ ऑफ द फ्लैंज जो कि है 250, तो टू इंटू 250 प्लस टू ब्रैकेट में क्या है बी एफ माइनस टी डब्ल्यू, बी एफ कितना है 250, 250 माइनस टी डब्ल्यू, टी डब्ल्यू कितना है 8.3, 8.3 ये आप कर दो, जितना मैंने रेड से मार्क किया है वो आपको लेंथ मिल जाएगी, आंसर आता है 1637, तो एल इक्वल्स टू 1637, ये क्या है एमएम में, दिस इज लेंथ ऑफ द वेल्ड, इतना लेंथ आपको प्रोवाइड करना है। लेकिन ये तो हो गया लेंथ, हमको कैलकुलेट क्या करना होता है इफेक्टिव लेंथ। अब इफेक्टिव लेंथ कैसे निकलेगा, देखो वेल्डेड कनेक्शन में मैंने आपको इफेक्टिव लेंथ के बारे में बताया था, यहाँ पर आपको इफेक्टिव लेंथ निकालना होता है एल माइनस टू एस, यहाँ पर हमें एंड रिटर्न के ऊपर भी ध्यान देना होगा। एंड रिटर्न मतलब क्या होता है, अगर आप एक वेल्ड प्रोवाइड करते हो तो उसके बाद आपको एक रिटर्न भी देना होता है, इस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, ठीक है, एंड रिटर्न के बारे में। तो आपका जो इफेक्टिव लेंथ निकलता है वो कैसे निकलता है, एल माइनस टू एस, लेकिन टू एस कितना, जितना एंड रिटर्न है उतना टू एस, इसका मतलब एल माइनस टू एस मल्टीप्लाई बाय एंड रिटर्न होता है। देखो एल इफेक्टिव का फॉर्मूला क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड कैसे निकलता है, के एल कैसे निकलेगा, एल माइनस टू इंटू एस, लेकिन टू इंटू एस कितना, जितना आपका एंड रिटर्न है, एंड रिटर्न,
अब आपको एंड रिटर्न भी देखना पड़ेगा, इसमें कितने एंड रिटर्न आ रहे हैं, और आपको एस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। एस क्या होता है? एस होता है साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड। एस मैं एस को थोड़ा सा अलग तरीके से लिखता हूँ, क्योंकि ये एस कभी कभार फाइव जैसे दिखता है लिखने के समय, इसलिए मैं एस को अलग तरीके से लिखता हूँ। ठीक है, आपको साइज ऑफ वेल्ड निकालना है। साइज ऑफ वेल्ड कैसे निकालते हैं? वेल्डेड कनेक्शन में मैंने आपको बता दिया था साइज ऑफ वेल्ड निकालने के लिए, सबसे पहले आपको एस मिनिमम निकालना है, फिर आपको एस मैक्स निकालना है। एस मिनिमम कैसे निकलता है? आईएसओ 800 2007 में टेबल नंबर 21 देखेंगे तो ये टेबल आपको मिल जाएगा वहां पर। आपको इस टेबल में से एस मिनिमम की वैल्यू पहले देखनी है। एस मिनिमम किसके ऊपर डिपेंड करता है? थिकनेस ऑफ द थिकर पार्ट। सबसे पहले आपको एस मिनिमम निकालना है, थिकनेस ऑफ द थिकर पार्ट। देखिए नोट कर लीजिए, एस मिनिमम, एस मिनिमम क्या होता है? थिकनेस ऑफ द थिकर पार्ट पहले आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। अब इसमें से देखो सबसे ज्यादा थिकनेस किसकी है? थिकनेस ऑफ द वेब कितना है? 8.3। थिकनेस ऑफ द फ्लैंज कितना है? 11.6। लेकिन थिकनेस ऑफ द प्लेट कितना है? इस प्लेट का थिकनेस कितना है? 12 mm। हमको क्या देखना होता है? थिकनेस ऑफ द थिकर, मतलब सबसे बड़ा कौन सा है, थिनर नहीं बोल रहा हूं मैं, थिकर। थिकर मतलब सबसे बड़ा कौन है? 8.3 सबसे छोटा है, उससे बड़ा है 11.6 और उससे बड़ा है 12। तो हमारा थिकनेस ऑफ द थिकर पार्ट क्या है? 12। तो आपको इस टेबल में देखना है 12। देखो यहाँ पर क्लियरली लिखा है थिकनेस ऑफ द थिकर पार्ट, तो हमारा थिकर कितना है? 12 mm हमारा थिकर है। तो 12 किसके बीच में आता है? 10 से 20 के बीच में आता है 12, तो उसके लिए मिनिमम साइज कितना है? 5। ठीक है, तो आपका एस मिनिमम आया 5, तो यहाँ पर आप एस मिनिमम की जगह पर रखोगे 5। ठीक है, एस मिनिमम ये mm में होगा, ठीक है 5 mm। तो एस मिनिमम आपको मिल गया। अब हमको निकालना होता है एस मैक्सिमम। एस मैक्सिमम भी कैलकुलेट करना होता है, लेकिन देखो एस मैक्सिमम कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला होता है, वो यहाँ पर मैंने आपको बताया था। एस मैक्सिमम का फॉर्मूला डिपेंड्स अपॉन शेप ऑफ द वेल्ड, तो शेप ऑफ द वेल्ड जो हम लोग देंगे वो स्क्वायर होगा हमारा, तो उसका फॉर्मूला क्या है? टी मिनिमम माइनस 1.5। तो लगा दो टी मिनिमम माइनस 1.5, तो एस मैक्स इक्वल्स टू टी मिनिमम माइनस 1.5। अब बताओ इसमें से मिनिमम थिकनेस किसके पास है? मिनिमम थिकनेस है हमारा थिकनेस ऑफ द वेब 8.3, सबसे छोटा है ना ये, इससे छोटा कोई नहीं है, तो 8.3 सबसे छोटा है। तो 8.3 माइनस 1.5 कर दो, कितना आता है देखो एस मैक्स की वैल्यू? एस मैक्स की वैल्यू आती है 6.8। एस मैक्स इक्वल्स टू 6.8 mm में होगा ये। हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है साइज ऑफ द वेल्ड। साइज ऑफ द वेल्ड कैसे निकलता है? इन दोनों का एवरेज लेना पड़ेगा। अब इन दोनों का एवरेज लेंगे तो एस हमको मिल जाएगा 5 प्लस 6.8 अपॉन 2, तो ये कर दो आपको साइज ऑफ द वेल्ड मिल जाएगा। आंसर आता है 5.9। एस का आंसर आता है 5.9, तो यहां से हम लोग 6 mm साइज ऑफ द वेल्ड प्रोवाइड कर सकते हैं। तो साइज ऑफ द वेल्ड क्या निकलेगा? 6 mm। तो यहां पर साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड लिखना चाहिए था, ठीक है, साइज ऑफ द फिलेट वेल्ड है ये 6 mm। एस से हमने एस क्यों निकाला? क्योंकि हमको के एल निकालना होता है। के एल में अभी क्या अननोन बाकी है? एस हमको मिल गया 6, एल हमको पता है, एल अभी हमने कैलकुलेट किया, ये हमारा एल है। एंड रिटर्न क्या होता है? अब एंड रिटर्न देखो यहाँ पर कितने एंड रिटर्न है। आई सेक्शन जो होता है उसके लिए आप याद रखना 12 एंड रिटर्न होते हैं आई सेक्शन के लिए। अब अगर आपको जानना है वो कहाँ पर होते हैं, अगर आपको याद है तो आप डायरेक्टली 12 पुट कर देना, अगर नहीं याद है तो फिर काउंट कर लेना। देखो कैसे काउंट करेंगे एंड रिटर्न, एक ये हो गया, एक ये, कितने हो गए? दो, एक ये तीन, एक ये चार, एक यहाँ पर पांच, एक यहाँ पर छ, ठीक है। अब छ इधर, वैसे ही छ इधर, फिर ये सात, ये आठ, फिर ये नौ, ये दस, ये ग्यारह और यहाँ पर बारह। ये होता है एंड रिटर्न। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने आपको वेल्डेड कनेक्शन में ही डिफाइन कर दिया था कि एंड रिटर्न क्या होता है। आप जो भी वेल्ड प्रोवाइड करोगे उसको एक टर्न देना होता है, वो होता है एंड रिटर्न। एंड रिटर्न की जगह पर रखोगे 12, तो चाहिए तो यहाँ पर ही साथ में लिख दो एंड रिटर्न इक्वल्स टू 12 होता है आई सेक्शन के लिए। के एल वहां से निकल जाएगा, इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड एल माइनस 2s। एल कितना है? एल इज 1637। एल की जगह पर रखेंगे 1637 माइनस, फॉर्मूला देख सकते हो ऊपर, माइनस 2s, 2 इंटू साइज ऑफ द वेल्ड कितना है हमारा 6 mm, तो 2 into 6। अब ये मल्टीप्लाई बाय होता है एंड रिटर्न। एंड रिटर्न कितने हैं? 12 एंड रिटर्न है,
तो ये करेंगे तो आपको के एल मिल जाएगा, दैट इज इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड। आंसर आता है 1493 mm, ठीक है, ये लेंथ है। लेंथ कौन सी है? इफेक्टिव लेंथ। ये जो हमारी वेल्ड की लेंथ है जो मैंने रेड से मार्क किया था, उसमें से जो इफेक्टिव लेंथ होने वाली है वो इतनी ही है 1493, और हम लोग प्रोवाइड कितना कर रहे हैं 1637, ठीक है। उसमें से जो काम में आने वाली है जिसको हम लोग इफेक्टिव लेंथ कहते हैं वो है 1493 mm। तो यही था, आपको ये कैलकुलेट करना था कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ द फिलेट वेल्ड कितना है और आप कितने साइज का वेल्ड वहां पर प्रोवाइड करोगे, तो वो है 6 mm। 6 mm साइज का हम लोग वेल्ड प्रोवाइड करेंगे और ये हमारी इफेक्टिव लेंथ जो कि 1493। तो यहाँ पर आपका वेल्डेड कनेक्शन भी खत्म होता है। देखो हमें क्या डिजाइन करने के बोला था, हमें डिजाइन करने के बोला था स्लैब बेस, तो स्लैब बेस हमने डिजाइन कर दिया जो कि हम लोग 390 × 290 × 12 mm की प्लेट प्रोवाइड करने वाले हैं। और हमें क्या डिजाइन करने को बोला था, ऑल्सो डिजाइन द वेल्डेड कनेक्शन, तो हमने यहाँ पर वेल्डेड कनेक्शन भी डिजाइन कर दिया। यहाँ पर जो मैंने रेड कलर से मार्क किया था वो था हमारा वेल्डेड कनेक्शन, पर 6 mm का साइज ऑफ द वेल्ड प्रोवाइड करेंगे और हमारी इफेक्टिव लेंथ ऑफ द वेल्ड इज 1493। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।